ये पता नहीं कहाँ गए हम। हाय एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं पॉन्डिचेरी। सुबह हम निकले थे बैंगलोर से कुछ 8:10 AM और अभी हमने कुछ कवर कर लिया है, कुछ 20 किलोमीटर्स, 307 किलोमीटर्स दिखा रहा था पॉन्डिचेरी हमारे घर से, और अभी कुछ 284 रह गया है। बीच में एक ब्लंडर भी कर दिया था, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए थे हम। गूगल कह रहा था कि सीधे चले जाओ, बट मैंने सोचा कि नहीं, एक और रास्ता दिखा रहा है वहाँ से ले लेते हैं। फिर दोबारा उसने बोला कि लेफ्ट ले लो तभी ले लो, बट मैं तभी भी नहीं सुना मैंने। फिर जब उसने थक हार के एक और रास्ता दिखाया कि लेफ्ट ले लो यहाँ से आगे जैम है, मैंने जो लिया उसकी क्लिप्स तो मैं डालूंगा ये, बट मज़ा आया, इट वॉज फन। सो देखते हैं, पहुँचते हैं पॉन्डिचेरी। कभी गए नहीं मैं, खुशबू पहली बार जा रहे हैं, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। आपके साथ पूरा शेयर करेंगे और हम जा रहे हैं, आपको पता ही है, हमारी टोयोटा हाई राइडर में। हाय हितेश। हाय खुशबू। कौन सा जाना है? बंद करूंगा ना। बताओ क्या हाल है, कैसे हो, हाउ आर यू फीलिंग? कहाँ पहुंच गए यार, दिखाओ ना कहाँ है हम, थोड़ा दिखाओ। बंजर जमीन आसमां। सो 191 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर पॉन्डिचेरी, होपफुली अराउंड 2। अभी रुकेंगे कुछ खाना खाने हम। कहाँ? I don't know, पता नहीं कहाँ है इस रोड पे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। I think हमें पहले रुक जाना चाहिए था, बट यार 10 बजे हैं, हम पहले की तरह हमेशा की तरह कुछ खाना लेके आए थे, वो हमने फिनिश कर दिया, फ्रूट्स एक सब कर दिया है फिनिश। यकली बचा है, मैं यकली बोलता हूँ उसको, पता नहीं क्यों मेरे में जबान पे उसको यकली आ रखा है वो। Anyway, so where have we reached? ये नहीं पता मुझे, ये सब मत पूछो मुझसे, ये पूछो कितना किलोमीटर बच गया। बस 191 किलोमीटर्स टू गो, 190 हो गया, तो होपफुली 2 तो नहीं बट 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। 3 बजे पहुंच जाएंगे? हां 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। यस, वी हैव सम प्लान्स फॉर, या वी हैव सम डिनर रिजर्वेशंस। ये अच्छा, ओ नहीं बताना है अभी कहां जा रहे हैं हम, सीधा स्टे ट्यून्ड। यस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट places of and known places of Pondicherry, मतलब reservations के लिए 2-3 हफ्ते पहले करना पड़ता है, और वो भी जैसे आज वाले दिन ना, 26th को ही फ्री था, कल का पूछ रहे थे हम, तो उनको था कि आज पहुंचेंगे तो कल आराम से जाएंगे, बट नहीं उन्होंने बोला नहीं सर इट्स बुक्ड, तो 26th की बड़ी मुश्किल से स्लॉट मिला है हमें शाम का। ओह यस, और वो भी उन्होंने बस वो कर दिया, बोल दिया ऐसे कि आ जाना, बस नाम लेना पता चल जाएगा, ऐसे कुछ लिखा नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं आया हमारे पास, पता देखते क्या होता है। मेरे नाम का एक इंसान है। अच्छा, मतलब तुम्हारे नाम का, खुशबू नाम का कोई जाएगा नहीं है ना पॉन्डिचेरी। अजीब सा नाम है, कुछ और नाम होना चाहिए था, महक खुशबू की जगह। पता नहीं कहाँ आ गया यार, मेरे को तो बहुत ही अलग सी फील आ रही है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे यार, पॉन्डिचेरी जाना है, कहाँ ले जा रहे हो? बारिश आने वाली क्या? बादल होते नहीं है बारिश आने वाले, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, होती है यार कभी बारिश हो जाती है यहाँ पे। एनीवे, हाउ इज द ड्राइव बाय द वे? ड्राइव इज गुड यार, प्रीटी। तुमने एवरेज चेंज किया था क्या? किया यार एवरेज, पता है अभी 29 दिखा रहा था, 28.6 हो गया, क्योंकि अभी थोड़ा सा वैसे पहाड़ी एरिया, ऊपर नीचे बहुत सारे कर्व्स, बट स्टिल प्रीटी गुड। 28 तो 25 भी दे देना तो बहुत ही खुश हूँ मैं। आज तक जितनी भी ट्रिप की है हमने, आज तक क्या मतलब, एक वो किया है और कोडई गया हूँ मैं वहाँ की, तो वहाँ भी तो आपको पता ही कितनी एवरेज दी थी, 21 मैक्सिमम थी एवरेज, और जब वापस हाँ गुड़गांव से आए थे तभी भी 21 की एवरेज थी, 21-22। See, average wise it's good. गाड़ी की performance भी बहुत strong है और अच्छी है। Comfort बहुत comfort है भाई। Comfort wise आराम से जो bucket seat पे बैठा हूँ ना घुस के, मैं मजा आ रहा है। लंबी trips के लिए perfect. Perfect. Yes. So let's stay tuned and आगे की trip complete करते हैं।
अभी दो मिनट पहले हमने कुछ देखा अमीर अजीब सा सब ठीक है इसमें बट सिट्रॉन C3 का सारे एयर बैग्स खुले हुए थे सारे एयर बैग्स खुले हुए थे ऐसे साइड में से घुसी हुई थी गाड़ी आई होप एवरीवन इज ओके सो वी स्टॉप फॉर कॉफी ब्रेक और हम हितेश पहुंच गए अच्छा नजारा है अभी एक ब्रेक के लिए रुके थे कॉफ़ी ब्रेक के लिए क्विक ब्रेक यार वॉशरूम जाना तो था बहुत बोल रही थी वॉशरूम गया मैं वॉशरूम नहीं गया सो वी फाइनली रीच्ड ऑरोविल 8.6 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा रिजॉर्ट जहाँ हम रुक रहे हैं नटशेल है वैसे सरेटी बीच पे अभी ये जिस जब ये रोड पे एंटर हुआ है ना तो यार बड़ा सही सा लग रहा है कुछ बहुत अमेजिंग तो नहीं लग रहा मुझे अंदर अंदर से है जस्ट बिफोर द टोल वी टुक लेफ्ट इट्स टुवर्ड्स द सेरेनिटी बीच एक्चुअली काफी ट्रैफिक है दिस इज नोन एज ऑरोविल रोड एंड हम पहुंच गए हैं So we are almost 7 kilometers away from our place stay and it's nearby hamare serenity beach ke paas mein hi humne rakha hua hai walking distance pe so it's a good location at least and what is our next plan kya plan hai hamara log to bike leke rent leke ghum rahe hain yahan pe oh vespa le le hum toyota hyryder ko ditch karte hain haan mere khayal se to wahi karna padega अंदर टाउन में घूमना है तो गाड़ी लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे वो ये भी कुछ है प्रोबायोटिक्स कोई कैफे था वहाँ पीछे Really? Yeah. Do you want to try? Everything is you started actually. Orville में इतना amazing है ना देखो रूट कितना amazing है. Scenic है काफी. Yeah. ये देखो ना लोग घूम रहे हैं अंग्रेज अंग्रेज और क्या अंग्रेज ही तो घूम रहे हैं हमारे और क्या बोलो फिरंग बोलो फॉरेनर्स उच्चे ये देखो ये बाइक जा रहे हैं हमारा किस अरे भैया भैया कहाँ थे आप हाउ आर यू फीलिंग ओरो हो गया तुम्हारा ओरा कैसा हो गया ओरोविल में देखो 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 अंग्रेज जा रहे हैं उधर अंग्रेज अबे ये तो गोवा वाइब्स दे रहे हैं बिल्कुल हाँ ऐसे ही है यार यहाँ पे ओरो विल यार दिस इज फॉर मेडिटेशन अपना ओरो ओरा ओरो से बेहतर करना चाहती हूँ अपना ओरा ओरो से बेहतर करना चाहती हूँ बट नहीं सीरियसली द व्यू इज रियली नाइस रेड चिली कैफे There's so many cafes and places to eat and and it's full. It's full. It's so. हम जिस time period में आए हैं वो है थोड़ा. It's the time for long weekend and holiday. ये भी full था. शाब full है. So conscious cafe that looks nice. मेरे को तो. Should we like stop somewhere in the middle? And have lunch. We can do that. So this is the place to I guess, yeah, this is the place. Okay. So हम वहाँ पहुँच गए. Bye bye करो. Bye bye करते हैं. वहाँ पहुँच के फिर से दिखाते हैं कहाँ जाएंगे अभी. बहुत भूख लग रही है. Yeah man. हमें figure out करना है कहाँ खाना है. कहाँ खाना है यहाँ खाना है या फिर पौंडी पहुँच के ही खाना है. See you guys. So we have stopped at this Hope Cafe. वो कैफे वहाँ पे भी है पॉन्डिचेरी में भी है बट ऑरोविल में हम रुक गए हैं भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा लंच करते हैं फिर चलते हैं अपने होटल दिस इज़ द एंट्रेंस यार है तो बहुत अच्छा रियली नाइस Really nice.
everyone. Oh, what? We have an order mosque. So here is our food. Thank you. Sandwich is here, pasta is still coming. That's it. Nice place. So pasta is also here. I'm almost done with the sandwiches. Yaar, ye veggies bade mast hai, abhi khaunga aaram se. We finally reached. सामने दिख रहा होगा ओशन आपको. So guys, ये था सेरेनिटी बीच और रॉक का मैंने आपको दिखाई दिया है. ये कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे सारी ना. ऑल द बोट्स द फेमस कोरोमंडल कैफे. सुबह सनराइज देखने के लिए आ गए हैं हम और यहाँ पे ड्रोन को देख के डॉगी एक्साइटेड हो रहा है. गुड बॉय. क्या सही लग रहा है ना ड्रोन वेव्स डॉग. अमेजिंग व्यू. ड्रोन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है. सुबह के बज रहे हैं 6:30. वेटिंग फॉर सनराइज. फाइनली सनराइज हो गया है जिसके लिए हम आए थे देखने के लिए यहाँ पे. अमेजिंग लग रहा है यार. सब लोग आए हुए हैं, इतने सारे लोग सनराइज देखने के लिए आए हैं. और वहाँ देखो कितने सारे लोग हैं उधर एंड में, बहुत लोग हैं. This is the best thing, yaar. Puppies. Good boy, boy. सब खेल रहे सब. अच्छा this is the best thing. अच्छा अच्छा क्या चाहिए क्या चाहिए. आज काटना भी है काटना भी है. गुड बॉय. सनराइज एंड डॉग्स और क्या चाहिए. अच्छा ठंड भी लग रही है. आ हा हा हा. ड्रोन भी है. दीज गाइस आर शूटिंग. अच्छा अच्छा अच्छा. Sunrise.
सो वी हैव रीच्ड द पार्किंग ऑफ ऑरोविल मंत्री मंदिर. दिस इज द पार्किंग. मौसम तो ठीक हो रहा है यार. लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पे. वे टू मंत्री मंदिर. कितने लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं. बट दिस इज ब्यूटीफुल. चलो सीधा पहुंच के दिखाते हैं. दैट ट्री लुक्स गुड यार. बहुत भीड़ है लेकिन. So we finally reached Mantri Mandir. अभी दिखाता हूँ आपको पूरा व्यू. बहुत भीड़ है यार. ये इसलिए इतना फेमस है. हर रो वीडियो में कैसा आ रहा होगा, बट इन रियल तो काफी सुंदर है. और दिखाता हूँ लोग कितने सारे हैं. द ब्यूटिफुल मंत्री मंदिर. हम अंदर भी जा पाते बट नहीं हो पाया वो. इसके लिए पहले से बुकिंग करके आनी पड़ती है. अंदर तो 10-7 days in advance. Yes. We tried. हमने मेल तो किया था लेकिन कोई रिवर्ट नहीं आया उनका. This is I think the layout of Mantri Mandir. सुना था इस कैफे के बारे में कि इतना बहुत ही अमेजिंग है. मुझे तो कोई खाना ही पसंद नहीं आया यहाँ पे. वी ट्राइड एवरीथिंग. ही वाज डिसअपॉइंटेड. सो हम दोनों ने पास्ता मंगाया था. सो हमने मंगाया भी पास्ता ऐसे था दैट बिकॉज और कुछ अवेलेबल नहीं था. दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ गेस्ट व्हिच अराइव्ड. सो उनकी वजह से उनका खाना भी खत्म हो गया. सो हमने एक अरबियता पास्ता और एक पेस्टो पास्ता मंगाया था. मतलब पफ भी मंगाया था उसमें. ऐसा लिखा हुआ था मतलब अरबियत पास्ता उनके हिसाब से वो स्पाइसी उसमें लिखा हुआ था मेन्यू में. वो स्पाइसी का एस भी नहीं था वैसे. वो ना उसमें नमक था, मिर्च थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर. ब्लैंड. ही वाज रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो कुछ था ही नहीं. देयर वाज नो टेस्ट. बट यस आई वाज लिटिल सैटिस्फाइड. मतलब मैं थोड़ा बहुत सैटिस्फाइड थी. पेस्टो पास्ता अच्छा था. हाँ पेस्टो वो भी मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा. बट आई एम डिसअपॉइंटेड यार. खाना कैसे खाते हो, क्या तारीफ कर रहे हैं लोग ये कैफे वगैरह की. मेरे को तो समझ नहीं आ रहा. लेट्स सी. सो सब कुछ ट्राई कर दिया. पिज्जा, पास्ता, सैंडविच. कल से आए हुए यहाँ पे हम. मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा. एनी वे वहाँ गए थे तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा सिर्फ गाड़ी की एवरेज हो रही है. दिखा रहा है
26.7 और अब तक गाड़ी चल चुकी है, जब हम घर से निकले थे कुछ 439 किलोमीटर्स, अभी 495 दिखा रहा है। लेट्स सी, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, कुछ थकावट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्मी में ना एसी काम नहीं करेगा, बट एक्चुअली कर रहा है। पहली बार गर्मी में आई है वैसे गाड़ी, क्योंकि गुड़गांव में जब ली थी अभी तो वहाँ पे तो ठंड है, बैंगलोर में इट्स ऑलवेज गुड वेदर, ठंड है वहाँ पे भी। पहली बार गर्मी देखी मैंने, सो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है गाड़ी। वेयर आर वी गोइंग राइट नाउ? वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहीं झेल सकता इतनी गर्मी। अब शाम को जाएंगे बीच, इसके बाद विल कीप यू गाइस पोस्टेड, स्टे ट्यून्ड। सो वी आर एट ईडन बीच, ये बैक वाटर्स है, लोग कायाकिंग कर रहे हैं। अभी आपको मेन बीच दिखाते हैं, लुक्स सो गुड। सो वी आर एट द ईडन बीच, यार बैक वाटर्स कितने सुंदर हैं देखना। Amazing Eden Beach. यार बहुत सुंदर है, बहुत साफ सफाई है। Oh, the wind. Very pretty. Not out. सनसेट, यार सनसेट इतना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ना, इसमें कितना व्हाटएवर दे मेड इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। सो 6 बजे ईडन बीच बंद हो जाता है, राइट नाउ एवरीवन इज वाइंडिंग अप। यस, पता नहीं हमारी आवाज आ रही है कि नहीं, कुछ इतना विंडी है, इतना अमेजिंग, बहुत ज्यादा विंडी है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्लीन बीच, सबसे ज्यादा साफ बहुत बहुत क्लीन है यार, बहुत ज़्यादा क्लीन है, लिटरली भगा रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं 6 बजे इज अ टाइमिंग ख़त्म होती है यहाँ पे, 6 बजे यू हैव टू गो बैक, तभी इतना साफ है, तभी इतना साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर बीच है। सो वी आर एट ब्रेड एंड चॉकलेट, फेमस कैफे फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने कैपेचिनो ऑर्डर किया है, एंड वी हैव ब्यूटीफुल डेजर्ट, इट्स कॉल्ड चॉकलेट बक्का। चॉकलेट बक्का पता नहीं क्या है, बक्का, और इट इज टेस्टी दो। आज का दिन शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट से किया, ऐसे ही उठ जाओ एंड अब हमारा क्या प्लान है? जाएंगे वापस अपने होटल, आएंगे धोएंगे, उसके बाद निकलेंगे वाइट टाउन के लिए, टेक सम पिक्चर्स एंड देन उसके बाद हम कहीं तो जाएंगे, रात शाम को भी बीच पे जाएंगे। सो वी आर एट द वाइट टाउन फ्रेंच कॉलोनी, और आप भीड़ देखो यार कितनी भीड़ है, मतलब लोग सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, हम लोग भी फोटो खिंचाने के लिए गए थे, लेकिन ये देखो इतने सारे लोग हैं ना, बस पिक्चर्स खिंचवा रहे ये दीवारों के लिए। मतलब यहाँ पे पिक्चर्स खिंचाते हैं ना तो कलरफुल येलो वॉल्स के साथ, तो बस
थोड़ी अच्छी आती है। इसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। कलर देख रहे हो यार, ग्रीन येलो, बस यही है। देखो एवरी थिंग इज सो ब्यूटीफुल ना, देखना कितना प्यारा घर बनाया हुआ है। So we are standing nearby to Coromandel Cafe, जो हम पहले दिन भी गए थे। इतनी भीड़ है यार, ये सब लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। खुशबू हेयर है सब कॉन्टैक्ट्स, लेट्स सी वो काम आता है या नहीं आता है। Let's see. जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अदरवाइज हम दूसरे किसी उसमें चले जाएंगे यार, कैफे में। That's not a problem. Look at that. कोरोमंडल कैफे के अंदर आ गए हम। आई थिंक काम कर गया खुशबू का कॉन्टैक्ट। दो मिनट और, आई गेट इट। यस, बहुत लोग हैं यार, लोग धूप में बैठे हैं। सो फाइनली खुशबू का कॉन्टैक्ट काम कर गया, हमें टेबल मिल गई। देख रहे हो यार, मतलब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं, और हम जस्ट आए, हमें टेबल भी मिल गई। और 10 टेबल्स की वेटिंग थी। How are you feeling, Khushbu? Something यहाँ पर बिना reservation के, so if there is a reservation happening, I don't know how does that work, but अंदर ही मिल पाएगी। बाहर इतनी गर्मी है, and अंदर it's amazing. पर ये कैसा हुआ? बस Khushbu के प्यार से बात करने का नतीजा है बस ये। Contacts बना लिए। Nice. फर्स्ट टाइम ड्राइविंग द कार ऑन द बीच। मतलब गुड़गांव से हम पौंडीचेरी ले आए हैं हमारे टोयोटा हाइराइडर को, और बीच पे सामने समंदर, और ये रही हमारी गाड़ी। हम आ गए हैं पैराडाइज बीच पे यार, यही पे यार। दिस इज बैकवाटर्स है ना? दिस इज बैकवाटर्स, दैट इज ईडन बीच। हम जहाँ गए थे कल, एंड ये बैकवाटर्स है, एंड पैराडाइज बीच यहाँ है। सो वी विल शो यू इन 2 मिनट्स कि कैसा दिखता है। मजा आ रहा है मुझे तो। गाड़ियाँ बीच पे लग रही है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। धूप में क्या कर रहे हैं लोग? धूप में क्या कर रहे हैं? हम सोच के थे कि धूप में हम दोपहर में जाएंगे तो कम लोग मिलेंगे, और देखा। सो दैट इज द एंट्री ऑफ पैराडाइज बीच। और ऐसे कुछ ये वाटर स्पोर्ट, मतलब प्रॉपर एंट्री है यार। आई हैव नेवर सीन अ बीच लाइक दिस। समबडी गेव अप कायाकिंग। लोग सो रहे हैं कायाकिंग करते हुए। मतलब ऐसी एंट्री तो नहीं देखी मैंने कहीं। क्या हम दुबई में है क्या? दुबई में ऐसा है? बीच साइड ऐसे ही है। यार द सेटअप तो बहुत ही अमेजिंग है ये। मतलब ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है, इंडिया में तो नहीं देखा है। नाइस, वेरी नाइस पैराडाइज बीच, वेरी नाइस यार। यहाँ तो अलग ही पार्टी सीन्स है ना, लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ईडन बीच पे भी कोई शैक नहीं है, सेरेंडी बीच पे भी कोई शैक नहीं है, पैराडाइज बीच पे उन्होंने बनाया हुआ है शैक। वेरी नाइस, देसी नॉर्थ इंडियन सॉन्ग्स। सो हम लोग आए हैं वहाँ से प्राइवेट बीच। ये कुछ बैंड भी लगाया हमारा, ठीक है, सैंड ड्यून्स पैराडाइज बीच में। एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट, ये नो एंट्री लिखा है ना, यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप। पता नहीं क्या है यहाँ पे, गार्ड वार्ड खड़े हैं, पूरा प्रॉपर वो चल रहा है।
बेसिकली वी आर एट ईडन बीच, गए थे अभी आपको दिखाया था ना पैराडाइज बीच गए हैं। सो पैराडाइज बीच, ईडन बीच सब कनेक्टेड है तो पता चला। और ये जैसे पीछे आप देख रहे हो ना, ये जो वहाँ देखा था वो लोग हमको उधर उधर से इधर नहीं आने दे रहे थे, और ये हमें यहाँ से उधर नहीं जाने दे रहे। मतलब अपेरेंटली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, पूरा कनेक्टेड है यार। जब आप एंट्री करते हो पैराडाइज बीच का गूगल मैप पे, मैप पिन लगा है, तो यू रीच टुवर्ड्स सन, व्हाट इज दैट कॉल्ड, सैंड ड्यून्स पैराडाइज बीच। सो सैंड ड्यून्स पैराडाइज बीच में हो, इस पे आपको 140 की एंट्री, 144 एंट्री मिलती है। वहाँ पे आपका बैक वाटर एक्टिविटी, पार्टी, बहुत कुछ है। तो इन शॉर्ट मैं दिखाता हूँ फिर सैंड ड्यून्स Paradise and then there is Eden. So Paradise के आने के लिए अगर सैंड ड्यून्स पे हो और उस Paradise आना है तो वहाँ पे एंट्री नहीं अलाउड है, और उस Paradise पे पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोट से आ सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। और वो बोट अरे वहाँ से बोट आएगी, यहाँ उतरेगी आपको और यहाँ से आप इस बीच पे आ जाओगे। मतलब ये क्या, मेरे को मतलब समझ नहीं आया। सैंड ड्यून ओवर देयर, पैराडाइज हियर एंड दिस इज ईडन, फुल ईडन वो। सो सैंड ड्यून के लिए 170 रुपीज़ पर पर्सन, पैराडाइज के लिए बोट की एंट्री दैट इज 200 पर पर्सन, आई डोंट नो दैट, 200 टू 300 पर पर्सन राइट, एंड देन फॉर ईडन फ्री, एंड इट्स मच मच क्लीनर, बहुत ज़्यादा साफ है ईडन। सो सैंड ड्यून्स पैराडाइज पागल बना रहे हैं, बिल्कुल ही पागल बनाया हुआ है यार। मतलब क्या, एक बीच कनेक्टेड है फिर भी नहीं जाने दे सकते, ये क्या मतलब है, प्राइवेटाइज किया हुआ है। मतलब सब जगह की एंट्री अलग की हुई है, इससे अच्छा तो ईडन है जहाँ पे भी हम घूम रहे हैं, तो साफ सुथरा वेल मेंटेन तो है, और वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, देखो कितने लोग हैं वहाँ पे, दिख रहा है। वापस वहीं से जा सकते हैं, अभी इधर नहीं आ सकते, और सैंडीज में भी नहीं जा सकते यार। आई मीन कम ऑन, ऐसे थोड़ी होना चाहिए यार। एनी वे इट वॉज फन, आज का तो दिन बहुत ही हमारा एडवेंचरस था, अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लान था, कुछ भी नहीं सोचा था कि क्या करेंगे, बस एक चीज़ सोच थी कि वाइट टाउन जाएंगे, पिक्चर्स लेंगे, उसके बाद तो सब कुछ ही अनप्लान हुआ, और जो भी हुआ अच्छा हुआ, मज़ा आया। सी यू गाइस। यार वीडियो बनाते बनाते ना मैं अपनी चप्पल भूल गया, ऐसे नंगे पैर चलता रहा। क्या हुआ हितेश, बताया ना अभी चप्पल छूट गई। क्या होता है, क्या हुआ, चप्पल छूट गई थी यार। ओ भाई अभी मैं इसके ऊपर पैर रखने वाला था। What the hell? Puffer fish. It's called puffer fish. What are you doing here? Lying with all the traffic here at so-called paradise beach. यार बहुत ट्रैफिक है पॉन्डिचेरी में, बोलने वाली बात है बट फुल ट्रैफिक है। देख लो अभी 26 मिनट दिखा रहा है, और कल भी हमको पैराडाइज बीच से घर जाने में कुछ एक घंटा लगा था, और अभी भी आज भी लग जाएगा। मतलब अभी तो काफ़ी रास्ता आ गए हम, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। Your comments Khushbu on this? So guys, Pondicherry का हमारा पूरा स्टे ओवर होता है। अब आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह, सुबह के बज रहे हैं 8:00 भी नहीं बजे, 7:45 हुआ है। अब निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। अब रास्ते में दिखाते हैं, अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे वही ब्रेड एंड चॉकलेट जहाँ कल गए थे, वहाँ से ब्रेकफास्ट करके सीधा बैंगलोर। लेट्स सी, कोशिश करेंगे 4 बजे से पहले पहुँच जाए, ताकि रिलैक्स करें, कल से फिर वही काम शुरू। So if you like this video, please do subscribe and share kar do yaar. Subscribe to please kar hi do. Thank you so much. See yaar kitni bheed hai. Andar pura full hai, sab full hai. Everything is full. And it's bread and chocolate. Hi, में रुक गए हम एक स्टॉप लेने। आई लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेक।